हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की नई वीडियो में हम बनाने वाले हैं सूरन की सब्जी। इसे जिमीकंद भी कहा जाता है, लेकिन हमारे यूपी में इसे सूरन ही बोलते हैं। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे हमने 1 kg तक सूरन लिया है, जिसको अभी हम अच्छे तरीके से साफ़ करेंगे। इसको अच्छी तरीके से रगड़ के धुलेंगे, जितनी भी इसकी मिट्टी है उसको निकालेंगे। ये ज़मीन के नीचे रहता है और ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है सेहत के लिए। तो चलिए आइए इसे धुलते हैं। पहले इसकी स्किन को हम अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे, फिर उसके बाद इसे कट करके इसे बॉईल करेंगे। तो आप जब भी सूरन ख़रीदें, जो हल्का सा रेड रेड जैसा होता है, वही वाला सूरन ख़रीदें, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। चलिए, हमारा सूरन अच्छी तरीके से वॉश हो गया है। अब हम इसको पीसेस में कट कर लेते हैं। इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। हम इसे कढ़ाई में बॉईल करेंगे, आप चाहे तो इसे कुकर में भी बॉईल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने पीसेस पीसेस कर लिए हैं। अब हम इसको कढ़ाई में डालेंगे। जैसे हम आलू को बॉईल करते हैं, वैसे हम इसको भी बॉईल करेंगे। ये आलू की तरह ही 5 से 10 मिनट में बॉईल हो जाते हैं। सो अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं 2 नींबू का रस, क्योंकि जिस तरीके से अरुई की सब्ज़ी होती है, इसकी सब्ज़ी भी थोड़ी सी वैसी ही होती है, तो ये गले में थोड़ी थोड़ी खराश करती है, इसलिए यहाँ पर नींबू डालना ज़रूरी है। अब हम इसको ढक देंगे और ढकने के बाद इसे हम बॉईल करेंगे। जब तक सूरन बॉईल हो रहा है, तब तक हम मसाला बना लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया है 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 5 से 6 हरी मिर्च, 3 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसमें 2 का हम पेस्ट बनाएंगे और 1 को हम छौंकने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमने 1 इंच अदरक ली है। से यहाँ पे देख सकते हैं सूरन में बॉईल आ चुका है। तो हमने सूरन को बाहर निकाल लिया है और देख सकते हैं आप, हमारा सूरन अच्छी तरीके से बॉईल हो चुका है। अब इसके पीछे की स्किन हम हटा देंगे और इसे अच्छे तरीके से पीसेस में काट लेंगे। सूरन की सब्ज़ी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि ये ब्लड सर्कुलेशन को ठीक रखता है, इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इसका सेवन डायबिटीज़ के पेशेंट और अस्थमा के पेशेंट भी कर सकते हैं, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। सो यहाँ पर हमारे सूरन अच्छी तरीके से पीसेस में कट चुके हैं। अब हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो इसे हम थोड़ा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारा सूरन फ्राई हो चुका है, अब हम इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पर डालेंगे 8 से 10 दाने काली मिर्च के। अब हम यहाँ पे डाल रहे हैं 2 तेज पत्ता। इसका फ्लेवर सब्जी में बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज। तो हमें प्याज को अच्छी तरीके से गोल्डन लाल करना है। अब हमने यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाली है, बीच से चीरा लगा करके। इसकी जगह आप ड्राई सूखी मिर्ची का भी यूज़ कर सकती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज अच्छी तरीके से लाल हो रहा है। तो कैमरा थोड़ा पास में रखा हुआ है, इसलिए कैमरे में छिटाना पड़े, इसके लिए हमने लीड को लिया हुआ है हाथ में। अब हम यहाँ पर डाल देंगे अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट। अब हमें पेस्ट को अच्छी तरीके से भूनना है। जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए, हल्का सी लाल ना हो जाए, तब तक हमें इसे भूनते रहना है। यहाँ पे हमारा प्याज लहसुन का पेस्ट अच्छी तरीके से भुन गया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे कुछ ड्राई मसाले। तो यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच रेड मिर्ची पाउडर, और ये हम डाल रहे हैं एवरेस्ट का सब्जी मसाला 2 चम्मच। अब हम डालेंगे होममेड गरम मसाला, जो कि हमने 1/2 चम्मच लिया है। सारे मसालों को डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से चलाएंगे और भूनेंगे।
तो मसालों में तेल सेपरेट होने तक हमें इसे भूनते रहना है। आँच को यहाँ पे मीडियम ही रखना है और आपको मसाला अच्छी तरीके से भूनना है। जितना हम मसाला अच्छी तरीके से भूनेंगे सब्ज़ी उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। कि यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मसाला अच्छी तरीके से भुनने लगा है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटो का पेस्ट। अब हम यहाँ पर डाल रहे हैं टमाटर का पेस्ट। अब टमाटर के पेस्ट को भी मसालों में अच्छी तरीके से मिक्स करके हम भुनेंगे। दस से 15 मिनट तक मसाले को भूनने के बाद हमारा मसाला कुछ इस तरीके से लग रहा है। अब हम यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा पानी। मसालों को 2 मिनट के लिए ढक देंगे। तो 2 मिनट हो चुके हैं, आइए अब अपने मसाले को एक बार देख लेते हैं। हमारा मसाला अच्छी तरीके से भून चुका है। अब हम मसालों में ही डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम यहाँ पर डालेंगे 2 पिंच हींग। अब एक बार फिर से हम हमारे मसालों को अच्छी तरीके से भुनेंगे। तो 15 से 20 मिनट तक भुनने के बाद हमारा मसाला एकदम रेडी है। अब हम यहाँ पर डालेंगे हमारा फ्राई किया हुआ सूरन। सारे सूरन को हमने इसमें डाल दिया है। तो सूरन के साथ ही हम हल्के हल्के करके इसको मसालों में भून लेंगे इस तरीके से। तो एक बार आप इस सब्ज़ी को अपने घर में बना के ज़रूर खाएं। एक बार जब आप ये सब्ज़ी बना के खाएंगे तो आप नॉनवेज को भी भूल जाएंगे, इतनी ज़्यादा ये सब्ज़ी टेस्टी बनती है। सूरन की आप कई सारी रेसिपी बना सकते हैं, जैसे आप सूरन का कोफ्ता बना सकते हैं, सूरन की सब्ज़ी बना सकते हैं, सूरन का अचार बना सकते हैं और सूरन का भरता बना सकते हैं। सूरन का अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। हमारी नानी सूरन का अचार बनाया करती थी, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता था। तो एक बार आप इसे अपने घर में ज़रूर बनाकर खाएं। यहाँ पर हमने लगा दिया है थोड़ा सा पानी। तो सूरन की सब्ज़ी थोड़ी सी ड्राई ही बनती है, इसलिए हमने यहाँ पर अभी कम पानी लगाया है। यहाँ पे हमने सब्ज़ी को ढक दिया है 5 मिनट के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्ज़ी का लुक कितना ज़्यादा अच्छा है। वाकई में ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो सूरन की सब्ज़ी मोस्टली दीपावली में बनती है हर घर में और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो प्लीज़ आप लोग भी एक बार इसको ज़रूर बना के खाएं और पूरी रेसिपी ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पे फाइनली हमारी सब्ज़ी बनके रेडी हो चुकी है। एट लास्ट हम इसको धनिए से गार्निश करेंगे ताकि इसका फ्लेवर बढ़ जाए। तो यहाँ पे फाइनल टच भी हो चुका है, अब हम सब्जी को सर्व करते हैं। तो यहाँ पे फाइनली सब्जी सर्व हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा टेस्टी लग रही है खाने में, काफ़ी जायकेदार सब्जी बनी थी। एक बार ज़रूर आप लोग भी इसको अपने घर में बनाएं और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा मनोबल बढ़ाते जाइए। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।